नमस्कार दोस्तों, सब भाई बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलईडी झालर ठीक करने का। दोस्तों, मैं आज आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं। ये झालर ठीक करने के लिए आप अपने घर को सजा सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप भी मुझे एक गिफ्ट दे सकते हैं। आज मेरे पूरे 10 सब्सक्राइबर हो जाएं, यही आज का मेरा टारगेट है कि इस झालर पे मेरे कम से कम 10 सब्सक्राइबर आ जाएं। तो दोस्तों, आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप मेरे 10 सब्सक्राइबर ये पूरे कर दें। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो ये वाला हम कनेक्टर खोल लेते हैं। ये कनेक्टर हम खोल लेते हैं। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं और आप अपना ये पूरी झालर ठीक कर सकते हैं। ये इसका सर्किट है और इसका सर्किट ये इस टाइप का है। तो देखिए, ये मेरी एक चिप है और ये हमारे कैपेसिटर हैं, ये ट्रांजिस्टर हैं, कैपेसिटर हैं। ये एक मेरा इसको रोटेट करने के लिए अलग से पूरा सर्किट है। तो देखिए दोस्तों, ये वाली जो है ये वाली मेरी एसी है, ये वाली यहाँ डायोड लगी हुई है और एक ये वाला पूरा मेरा यहाँ से कॉमन है। तो एलईडी से देखिए, ये तीन वायर निकले हुए हैं। ये एलईडी से तीन वायर निकले हुए हैं। ये मेरा कॉमन है, ये एसी डायरेक्ट, और ये जो दो वायर हैं ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से निकले हुए हैं। तो यहाँ से इससे ये सिग्नल आता है और तब ये काम करती है। तो आज हम इसको यही यहाँ से ठीक करके दिखाएंगे, इसमें सप्लाई दे देते हैं। अब ये रहा हमारा इस साइड से ये वाला कनेक्टर। तो यहाँ हम सप्लाई, ये देखिए, इसमें हम चलो सप्लाई दे देते हैं और सप्लाई हम इसको टेस्ट करते हैं। इसको यहाँ सप्लाई देख सकते हैं, ये हमारी एलईडी झालर नहीं जली है। और इससे ये हम दूसरे वाली झालर भी ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं, ये हमारी जल रही है या नहीं जल रही है, इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये वाली झालर भी हमारी ठीक से काम नहीं कर रही है। आओ, इसमें भी हम सप्लाई इनपुट देकर देखते हैं कि ये झालर चल रही है या नहीं। दोस्तों देखिए, इस झालर का ये यहाँ से वायर टूटा हुआ है एलईडी के पास से। तो हम ये एलईडी का वायर जोड़कर दोबारा से फिर इसको टेस्ट करेंगे। तो ये वायर हमने दोस्तों जोड़ दिए हैं। ये वायर यहाँ जोड़ने के बाद अब हम इसको यहाँ सर्किट में लगाते हैं और देखते हैं ये हमारा चलता है सर्किट या नहीं। तो दोस्तों, ये भी हमारा ये वाला सर्किट नहीं चल रहा है। तो ये देखिए, हमने ये वायर यहाँ लगा दिए हैं। तो आज हम इनको पूरी ये झालर पड़ी हुई है, इन झालर को ठीक करके दिखाएंगे, हम सबको इनको चला कर दिखाएंगे। हो सकता है कोई झालर ठीक ना हो पाए, बिल्कुल ही खराब हो गई हो, ये वायर हमारा खराब हो गया हो। तो अब हम इसके बाद ये वाला हम निकाल देते हैं और ये वाले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाले जो मेरे कनेक्शन हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, हम इसको ये हमने यहाँ टेस्ट कर लिया है, इसमें यहाँ सप्लाई आ नहीं रही। तो ये हो सकता है ये वाला वायर ही मेरा यहाँ से खराब हो, ये वायर यहाँ से टूट गया अंदर से, इसमें सप्लाई, ये देखे, ये बिल्कुल एकदम एक वायर लगा हुआ है। तो हम यहाँ इस पर वायर लगा दें, दूसरा वाला वायर लगा दें। आओ, हम पीसीबी पर ये न्यू वायर लगाते हैं। पहले हम वायर की टिनिंग कर लें जिससे आसानी से चिपक जाए। और यहाँ अभी पीसीबी पर न्यू वायर लगाते हैं। न्यू वायर लगाने के बाद हम इसको पावर में लगाएंगे और पावर में लगाने के बाद ये वायर हमने सोल्डर कर दिए हैं। सोल्डर करने के बाद एक बार हम इसको बाहरी ओपन टेस्ट करेंगे, इसके बाद इसको पीसीबी को डब्बी में बंद कर देंगे। आके देख लेते हैं, ये हमने वायर लगा दिए हैं, एक बार यहाँ इसको चला के हम देख लेते हैं।
ये देखे दोस्तों, ये हमारी झालर बिल्कुल ठीक हो गई है। तो एक हमारी झालर ये ठीक हो गई है, अब हम अगले वाली झालर ठीक करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा स्विच वाला, ये इधर यहाँ स्विच है, तो ये स्विच का इधर ही रहेगा। ऐसे हम इसको लगा लेते हैं, ये हमने यहाँ इसको लगा लिया है। पीसीबी को इस हिसाब से फिट करते हैं कि इसका वायर ना टूटे, क्योंकि ये चाइनीज लड़ी हैं, इसके वायर जल्दी से टूट जाते हैं। डब्बी को प्यार से फिट करनी है। ये हमारी झालर बनकर तैयार हो गई है। एक बार इसको हम अब बंद करने के बाद इसको यहाँ चला देते हैं, ये वायर इसमें हम लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी झालर बिल्कुल बनकर एकदम तैयार हो गई। तो हम ये इसको यहाँ चेंज करते हैं, देखिए ये एकदम जल रही है। ये प्रकार से हम ये सारी झालरें ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा, और मैं ये बता देता हूँ, ये जो मेरी झालर है, यदि इसमें से कोई वायर खराब है या कुछ है, वाला वायर यहाँ से टूट गया है, तो हम इसको यहाँ से इसको ये हटा दें, इसको यहाँ से, और इसको यहाँ सोल्डर कर दें। सोल्डर करने के बाद ऐसे ही हम सीक्वेंस से बार बार इसको टेस्ट कर सकते हैं। आओ इस एलईडी झालर में भी हम इनपुट पावर सप्लाई देकर टेस्ट करते हैं। ये मेरी झालर ठीक है, यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सर्किट एकदम बिल्कुल ठीक कर काम कर रहा है, तो हमारा काम आसानी से हो गया। तो दोस्तों, आप भी इस टाइप से अपनी झालर, एलईडी झालर ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप दीपावली पे यही गिफ्ट दे दें कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।